फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के नेक्स्ट टॉपिक के लिए अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करें, जहां पर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम बात करें तो 5 से 7 बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वी आर गोइंग टू सी दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा, कंपोनेंट्स क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, डिवाइसेस भी कुछ आते हैं, इमेज भी इस क्वेश्चन में आते हैं, वो भी यहाँ पर पुट किया है। तो विल बी स्टार्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा एग्जाम में प्रायोरिटी दी जाती है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि 1 ग्राम HB जो हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम HB जो है वो कितना O2 कैरी करता है, कितना O2 कैरी करता है, ये बार बार पूछे जाने वाला MCQ है। 1 ग्राम HB कैरी हाउ मच ऑक्सीजन, दैट इज 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी बाय 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। इसके अलावा कुछ एंटीकोगुलेंट फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने पुट किया है CDPA जो है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है यहाँ पर, ये एंटीकोगुलेंट है जो कॉमनली हम ब्लड बैंक में यूज करते हैं, क्योंकि जितने भी ब्लड कंपोनेंट्स होगा, चाहे RBC हो, चाहे WBC हो, चाहे प्लेटलेट हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे क्रायोप्रेसिपिटेट हो, इनको स्टोर कहाँ करते हैं, ब्लड बैंक में। तो स्टोर करने के लिए सबका अलग अलग टेम्परेचर और अलग एंटीकोगुलेंट की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, जिसमें मैंने पुट किया है सोडियम सिट्रेट, इसको हम सिट्रेट फुल फॉर्म क्या है, तो सोडियम सिट्रेट बोल सकते हैं इसको, हम बच्चों सोडियम सिट्रेट बोल सकते हैं। और सोडियम सिट्रेट जो मैं बताना चाहूंगा, most common usable anticoagulant, देखिए बच्चे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, anticoagulant in blood bank क्वेश्चन आएगा कि ब्लड बैंक में कॉमनली यूज होने वाला एंटीकोगुलेंट कौन है, ये सोडियम सिट्रेट या सिट्रेट के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। एक और इसका वीकनेस मैं बताना चाहता हूँ, ये सोडियम सिट्रेट क्या करता है, जब भी हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस ब्लड में प्रेजेंट कैल्शियम के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड होगा, और बाइंड होकर के उस कैल्शियम को क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा। मतलब उस ब्लड, जो ब्लड हम किसी पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, उस ब्लड में कौन प्रेजेंट है बच्चों, सोडियम सिट्रेट होगा। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो ये आपकी बॉडी में जाकर ये कैल्शियम के साथ बाइंड होगा और कैल्शियम को एक्सक्रीट करवा देगा, तो आपकी बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की, तो आपको क्या डेवलप हो सकता है, हाइपोकैल्शियमिया। आपने देखा होगा हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, और कैल्शियम ग्लूकोनेट देने का पर्पस क्या है, हाइपोकैल्शियमिया से प्रिवेंट करना। हाइपोकैल्शियमिया करता कौन है, सिट्रेट करता, कौन करता है, सिट्रेट। आगे मैं आपको कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पढ़ाऊंगा, बट ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्या कॉमनली कॉम्प्लिकेशन है, तो हाइपोकैल्शियमिया। ओके फाइन, इसके अलावा और कौन कौन सा हमें, That is a dextrose, ये भी anticoagulant हम use करते हैं ब्लड बैंक में, phosphate हम use करते हैं और 89 use करते हैं। देखिए ये commonly है, पर सबसे important exam में पूछेंगे आप क्या लिखोगे, citrate। मैं आपको बताना चाहूंगा my loving future nursing officer, एक आपने सुना होगा EDT, एक आपने सुना होगा EDT। EDT हम कहाँ use करते हैं, laboratory में। EDT हम कहाँ use करते हैं, laboratory में। मतलब ब्लड सैंपल हम किसी पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन पर्पज से लेते हैं तो EDT को प्रीफर करते हैं, और ब्लड बैंक की हम बात करेंगे तो सोडियम सिट्रेट। तो आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट लैब में कौन सा यूज करते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना है, लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर EDT लिखना है। आपको ब्लड बैंक का पूछे तो आपको आंसर क्या लिखना है, सोडियम सिट्रेट लिखना है। ओके फाइन, एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है, जब भी हम पेशेंट का ब्लड शुगर करते हैं, तो देखिए जब भी हम पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं, और जब ब्लड शुगर लेवल हम चेक करते हैं उस समय पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं, हमने मेंशन किया है सोडियम फ्लोराइड्स, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना है। सोडियम फ्लोराइड वो सब्सटेंस है जिसमें हम क्या कलेक्ट करते हैं, ब्लड को क्यों कलेक्ट करते हैं, टू मेजर द लेवल ऑफ ग्लूकोज। मैं इसका रीजन बताऊंगा, टू इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज से पाइरूवेट, ग्लूकोज से पाइरूवेट में जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट्स अ प्रोसेस टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द पाइरूवेट, इट्स अ प्रोसेस टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द पाइरूवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये क्या करेगा, इस ग्लाइकोलाइसिस रेट को इनहिबिट करेगा, और ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकेंड आवर्स आफ्टर ब्लड कलेक्शन, मतलब जैसे आपने ब्लड सैंपल लिया, सैंपल लेने के पहले और दूसरे आवर्स के अंदर ये
ग्लाइकोलाइसिस मैकेनिज्म को रोकने का काम करेगा। ग्लाइकोलाइसिस हो गया तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, शुगर का एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। इसलिए हम किसमें कलेक्ट करते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगेन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन सीधा पूछेंगे, ब्लड शुगर मॉनिटर करने के लिए ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं तो कौन से सब्सटेंस के साथ करते हैं, सोडियम फ्लोराइड। आपको आंसर क्या लिखना है, सोडियम फ्लोराइड। गॉट इट एवरीवन? तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, दूसरा ईडीटी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तीसरा सोडियम फ्लोराइड। ओके फाइन, अब बात आती है कि किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आपको कंपेटिबिलिटी देखना पड़ता है, आपको क्रॉस मैच करना पड़ता है, क्रॉस मैच के लिए सैंपल लेना पड़ता है। मैं वो एक एक स्टेप्स आपको बताऊंगा जो आपको सिलेक्शन के और करीब लेके जाएगा, ये वादा मेरा आपसे। जब ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यू विल फील योर सेल्फ प्राउड कि इससे कोई भी एमसीक्यू पूछेगा आई एम एबल टू डू, दैट इज अ वे हाउ टू टीच टीम जीआईएनसी। ओके फाइन, कंपेटिबिलिटी में फर्स्ट थिंग आपको देखना, व्हाट डू यू मीन बाय कंपेटिबिलिटी, क्या होता है कंपेटिबिलिटी। मैचिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम टू पर्सन बाय टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन सिस्टम। सपोज ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ए पर्सन कौन है बच्चों, ए पर्सन जो है वो डोनर है और बी पर्सन कौन है, बी रिसीवर, बी कौन है, रिसीवर। तो मतलब दो पर्सन का जब ब्लड मैच होता है, दो पर्सन का जब ब्लड मैच होता है और इस मैचिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपेटिबिलिटी, क्या बोलते हैं, कंपेटिबिलिटी। मैं प्रोसेस पूरा पढ़ाऊंगा हाउ टू कंपेटिबिलिटी, कैसे करेंगे तो ब्लड कैसे कंपेटिबिलिटी होगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं। पहले कंपेटिबिलिटी का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, तो दो पर्सन का जो अलग अलग एंटीजन ग्रुप होता है उनका आपस में कंपीट होना, मिलना, दैट इज अ कंपेटिबिलिटी कहलाता है। क्या कहता है, कंपेटिबिलिटी। आई वाज पुटिंग हियर अगेन, मैचिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम टू पर्सन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड कंपेटिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कंपेटिबिलिटी। ओके फाइन, अब बात आती है कि आपने कई बार देखा होगा, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो अपन उस पर्सन का ब्लड सैंपल लेते हैं और सैंपल लेके बोलते हैं इसका क्रॉस मैच करवाते हैं और क्रॉस मैच के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अपन ऑर्डर करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ क्रॉस मैचिंग क्या होता है, क्रॉस मैचिंग क्या होता है, द टेस्टिंग ऑफ डोनर। सपोज मैंने आपको ब्लड दिया, मेरा ब्लड डोनेट करना, मैं ब्लड डोनेट करूँ तो मेरा ब्लड टेस्ट होना जरूरी है कि वो ब्लड आपके लिए बेस्ट रहेगा नहीं रहेगा। द टेस्टिंग ऑफ डोनर ब्लड एंड रिसिपिएंट ब्लड फॉर कंपेटिबिलिटी विद इन 4 आवर आफ्टर कलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल कलेक्शन होने के विद इन 4 आवर में हम दोनों के ब्लड को कंपीट करके चेक करते हैं ये ग्रुप जो है एक दूसरे से कंपीट कर पा रहा है तो हम उसको, उस पर्सन को कंपेटिबिलिटी है तो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। आपने यूनिवर्सल डोनर पढ़ा होगा, यूनिवर्सल रिसीवर पढ़ा होगा। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों, ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है उसको हम यूनिवर्सल क्या कहते हैं, उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और याद रखना ए बी पॉजिटिव इसको हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। ये मैं आपको मेडिसिन में डिटेल में पढ़ाऊंगा। कभी कभी ये भी पूछा था कि एक पेशेंट है उसको ब्लीडिंग हो रहा है, उसका ब्लड ग्रुप हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो इमरजेंसी में क्वेश्चन आएगा, इमरजेंसी में पेशेंट की लाइफ को बचाना है तो कौन सा ब्लड दे सकते हैं, वो नेगेटिव दे सकते हैं कि वो कौन है, यूनिवर्सल डोनर है, ए बी कौन है, यूनिवर्सल रिसीवर। तो मैं बताना चाहता हूँ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आपको सैंपल कलेक्ट करना है क्रॉस मैच के लिए, दो अलग अलग वाइल यहाँ पर होगी आपके पास, ईडीटी वाइल इथाइलिन डाइअमाइना टेट्राएसिटिक एसिड जिसमें हम 3 ml ब्लड लेंगे और दूसरा प्लेन वाइल जिसमें एंटी कोगुलेंट नहीं होता है, 5 ml ब्लड। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब भी हम क्रॉस मैच के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं तो कितना ml कौन सी वाइल में कलेक्ट करते हैं, दो वाइल आपके पास है, प्लेन है, ईडीटी है, प्लेन के अंदर आप ज्यादा लोगे 5 ml और ईडीटी में 3 ml। ईडीटी एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस है जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करने का काम करता है। आपने पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया और इस 3 और 5 ml सैंपल को कहाँ भेज दिया, लेबोरेटरी में भेज दिया फॉर द क्रॉस मैच। अब वहाँ कैसे क्रॉस मैच होगी ये जानना बहुत जरूरी, हाउ दे डू द क्रॉस मैच, हम क्या करते हैं, जो पर्सन जिसको ब्लड चाहिए उस पर्सन का सीरम, जो पर्सन जो ब्लड डोनेट कर रहा है उस पर्सन का आरबीसी, उसका सीरम लिया और डोनर का आरबीसी लिया, कितना लिया, सीरम 2 ड्रॉप लिया, आरबीसी 1 ड्रॉप लिया, इन दोनों को हमने क्या क्या मिक्स किया और मिक्स करके 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर तक इंक्यूबेटेड कर दिया।
मतलब 37 जो है, बता देता हूँ, ये आपके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी 37 होता है, वो भी 37 होता है। और ब्लड का जो टेम्परेचर मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, ब्लड का जो टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन, ब्लड थोड़ा गर्म होता है, कभी कभी सीधा पूछते हैं व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ब्लड आपसे पूछेंगे, तो ब्लड का टेम्परेचर 37.5 होता है और एक ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल अडल्ट का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और 37 डिग्री सेल्सियस में 1 आवर के लिए अपने इंक्यूबेट किया, क्या क्या, डोनर और रिसीवर, डेफिनेटली हमने पेशेंट जो रिसीवर है उसका 2 ड्रॉप क्या लिया सीरम, और डोनर का आरबीसी लिया, दोनों को मिलाया, इंक्यूबेट किया 1 आवर के लिए, टेम्परेचर कितना रखा 37। अब 1 आवर के बाद में 3 वॉश करना, इस सैंपल को 3 बार वॉश किया, और वॉश करने के बाद में इसमें क्या मिक्स करना है, इसमें 2 ड्रॉप AH, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जिसको हम कॉम्स रीएजेंट बोलते हैं बच्चों, कॉम्स रीएजेंट बोलते हैं, ये हमने 2 ड्रॉप इसमें मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज का पता होगा ना, जब ब्लड में सेल और प्लाज्मा की कंपोजिशन को अलग अलग करना होता है तो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस होता है उसमें डाल के हम इसे घुमाते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में आपको देख रहा है यदि किसी भी प्रकार की कोई एग्लूटिनेशन नहीं, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है बच्चों क्लंप, क्या होगा क्लंप, किसी भी प्रकार का कोई क्लंप नहीं बना इसका मतलब ये कंपेटिबल है, इसका मतलब ये कंपेटिबल है और इसको हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और यदि इस तरीके का एग्लूटिनेशन जो है वो इनकम्प्लीट नहीं बना, इनकम्प्लीट है मतलब ये नॉन कंपेटिबल है, इसको हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। बहुत इजी प्रोसेस है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, पहला क्वेश्चन बनेगा कि हम कितने डिग्री टेम्परेचर पे कितने आवर तक इंक्यूबेट करते हैं, दूसरा पूछेगा कि AHA क्या होता है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जिसको हम किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, कॉम्स रीएजेंट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज अ वे हाउ टू डू क्रॉस मैच इन टू द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में क्रॉस मैच करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, अब क्रॉस मैच हो ही गया है तो फाइनली हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। बहुत क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन बनेंगे। टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स की मैं बात करूं, हम क्या क्या यहाँ पर पढ़ने वाले, स्पेशली देखिए बच्चों कंपोनेंट की बात करूं तो आप आरबीसी पढ़ोगे, आप प्लेटलेट पढ़ोगे, आप प्लेटलेट पढ़ोगे, आप डब्ल्यूबीसी पढ़ोगे, आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पढ़ोगे, आप क्रायोप्रेसिपिटेट पढ़ोगे, क्रायोप्रेसिपिटेट पढ़ोगे, ये वो कंपोनेंट्स है जो ट्रांसफ्यूज कॉमनली किया जाता है। तो आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट के मैकेनिज्म क्या है, कितना टेम्परेचर पर रखता है, कितने टाइम में देता है, एक यूनिट कितने एमएल में होता है, इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, नई नई चीजें जैसे आपको मिल रही होगी, यू विल बी एंजॉय, डोंट ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। फर्स्ट हम स्टार्ट करें रेड ब्लड सेल, सबसे पहले अपन स्टार्ट करें दैट इज अ रेड ब्लड सेल आरबीसी। देखिए बच्चों रेड ब्लड सेल बोल सकते हैं हम इसको, रेड ब्लड सेल लाल रक्त कणिका जिसको कहते हैं, और एक और नाम इसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। देखिए इरिथ्रोसाइट हम आरबीसी को बोलते हैं, और बताना चाहता हूं आरबीसी जो है ये ब्लड में मोस्ट अबंडेंट, ध्यान से देखिए बच्चों, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल होता है। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल का मतलब ब्लड में पाया जाने वाला सबसे अधिक सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आपको पूछेंगे तो आपको आंसर क्या देना है, आरबीसी जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि जब हम बात करें रेशियो का, जब हम रेशियो की बात करें जैसे आरबीसी जैसे डब्ल्यूबीसी और जैसे प्लेटलेट, तो माय डियर आरबीसी जो है वो 600 होता है, डब्ल्यूबीसी 1 होता है, प्लेटलेट 40 होता है। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ये वो हर पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कहाँ लिखना है, अपने नोटबुक पे छत पे लिखना, ऊपर वाली पट्टी पे लिखना, जो सीधा स्ट्राइक करेगा और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है कि ब्लड सेल, क्वेश्चन ये आएगा बच्चों कि ब्लड सेल का रेशियो पूछेंगे, तो देखिए आरबीसी 600:1:40, तो सबसे अधिक पाया जाने वाला ब्लड सेल कौन हो गया, आरबीसी। सबसे अधिक पाया जाने वाला ब्लड सेल कौन हो गया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स,
आरबीसी, ओके फाइन, ओके फाइन। हम आरबीसी की बात करते हैं बच्चों, एक यूनिट जो आरबीसी है उसको हम पीसीवी के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये 250 ml। देखिए बच्चों मैं बताना चाहता हूं, ये जो पीसीवी है इसको हम हीमेटोक्रिट भी बोलते हैं, हीमेटोक्रिट भी बोलते हैं। देखिए पीसीवी और हीमेटोक्रिट जो है ये एक ही नाम है। पीसीवी और हीमेटोक्रिट क्या बताता है? परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ये क्या इंडिकेट करता है? परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड, ये इसका मीनिंग है। ब्लड में आरबीसी कितना प्रतिशत है, मैं आपको आंसर लिख देता हूं, 42 से 44%। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नॉर्मल हीमेटोक्रिट, व्हाट इज द नॉर्मल पीसीवी, आपको आंसर क्या लिखना, 42 से 44%। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि एक यूनिट आरबीसी हम किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो कितना हीमेटोक्रिट बढ़ता है, तो वहां पर मैं आपको 2 to 3% बताऊंगा। कितना हीमोग्लोबिन बढ़ता है, तो वहां पर मैं आपको 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बताऊंगा। क्यों, ये भी जानना जरूरी है कि एक यूनिट आरबीसी किसी पर्सन को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, ट्रांसफ्यूज करने के बाद उस पर्सन का कितना हीमोग्लोबिन पड़ेगा, कितना हीमेटोक्रिट बढ़ेगा, हर एक यूनिट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा फर्दर। तो इतना याद रखिएगा, 1 यूनिट पीसीवी, और पीसीवी का हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीमेटोक्रिट बोलते हैं, और हीमेटोक्रिट क्या है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन ब्लड होता है बच्चों, और ब्लड में आरबीसी कितना प्रतिशत पाया जाता है, 42 से 44%। ये आपके नॉर्मल हीमेटोक्रिट और नॉर्मल पीसीवी का लेवल होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नॉर्मल पीसीवी, व्हाट इज द नॉर्मल हीमेटोक्रिट, गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन। अब बात आती है कि एक यूनिट आरबीसी जो है वो 250 ml का होगा। आगे मैं आपको होल ब्लड, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, इवन क्रायोप्रेसिपिटेट, इवन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा पढ़ाऊंगा, तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए एक यूनिट पीसीवी जो है वो कितना ml का होता है। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, 250 ml होता है, लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 1 यूनिट कितना, देखिए 1 यूनिट जो आरबीसी है वो 1 ग्राम एचबी बढ़ाता है बच्चों, सीधा एग्जाम का क्वेश्चन, सीधा एग्जाम का क्वेश्चन। और 2 to 3% क्या बढ़ा रहा है, हीमेटोक्रिट, 2 to 3% क्या बढ़ा रहा है, हीमेटोक्रिट, याद रखना। या मैं यदि बात करूं, बच्चों 1 यूनिट, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, 1 यूनिट होल ब्लड, 1 यूनिट होल ब्लड की मैं बात करूंगा तो वो भी 1 ग्राम, वो भी 1 ग्राम पर डीएल क्या बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, सीधा पूछा गया एक यूनिट आरबीसी किसी पर्सन को ट्रांसफ्यूज किया तो कितना एचबी बढ़ेगा, सीधा आंसर लिखना 1 ग्राम, चाहे होल ब्लड एक यूनिट करे, चाहे आरबीसी एक यूनिट करे, 1 ग्राम। कभी कभी आपको हीमेटोक्रिट का पूछेंगे तो 2 to 3% नॉर्मल, अभी आपको बताया था कितना था बच्चों, 42 से 44%, और एक यूनिट आरबीसी किसी पर्सन को आपने ट्रांसफ्यूज किया, मैं बताऊंगा किसमें ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो 2 to 3% आपका हीमेटोक्रिट बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी वैल्यू, देखिए लेबोरेटरी वैल्यू जब 4 to 6 आवर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, मतलब क्या हुआ, मतलब 2 बजे पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिनिश हुआ, 2 बजे फिनिश हुआ, नेक्स्ट 4 to 6 आवर्स, नेक्स्ट आफ्टर 4 से 6 घंटे के बाद हीमोग्लोबिन चेक करना है, तभी 4 से 6 घंटे के बाद हीमोग्लोबिन चेक करना है, तभी उस पर्सन का हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ आएगा। इधर आपने ब्लड बंद किया, इधर आपने सैंपल ले ली, तो इंक्रीज नहीं होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माइनर टू माइनर थिंग्स को आपको माइंड में फिट करना है कि क्या क्या होता है, याद रखना। 4 से 6 घंटे के बाद पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना, उसमें आरबीसी देखना है, उस समय आप देखोगे तो आरबीसी बढ़ा हुआ आएगा। 4 से 6 घंटे का प्रोसेस होता है कंप्लीट, आपके बॉडी के ब्लड के साथ उसको मिलने में टाइम लगता जो इन्फ्यूजन टाइम, मतलब एक यूनिट आरबीसी आपका है वो कितना एमएल था, 250 ml, और इसको 2 से 4 घंटे में देना है, 2 से 4 घंटे में देना है। यदि 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 ये मोर देन 4 आवर आपने रखा, यदि मोर देन 4 आवर रखा तो बच्चों हीमोलाइसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस। और हीमोलाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, हीमोलाइसिस का मीनिंग होगा ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल जो है वो ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, तो आपकी बॉडी में जो आरबीसी चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपको आरबीसी एक यूनिट को फिनिश करना होता है, ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखिएगा कि कितने दिन तक आरबीसी, मैं हमेशा आपको जिक्र करता हूँ आरबीसी की लाइफ स्पान सब जगह अलग होता है। क्वेश्चन आएगा कि आप आरबीसी को ब्लड बैंक में कितने दिन रख सकते हैं, 35 to 42 days। देखिए जब हम आरबीसी की बात करें बच्चों, आरबीसी की हम लाइफ स्पान की बात करें, कई बार मैंने आपको लाइफ स्पान की बात करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यू बॉर्न,
देखिए बच्चों, न्यू बॉर्न में भी एक आता है प्रीटर्म। न्यू बॉर्न में एक बच्चा होता है प्रीटर्म, और प्रीटर्म की जो लाइफ स्पान होती है वो 35 to 50 days की होती है। बच्चों ध्यान से ध्यान देना, 35 to 50 days की होती है प्रीटर्म। प्रीटर्म में भी कौन है? न्यू बॉर्न प्रीटर्म है। और यदि यही न्यू बॉर्न जो है ये टर्म बेबी है, यदि यही न्यू बॉर्न टर्म बेबी है तो यहाँ 80 to 90 days हो जाएगा बच्चों, 80 to 90 days हो जाएगा। अलग अलग देखिए, प्रीटर्म में 35 to 50 days है, टर्म बेबी में 80 to 90 days है। और यही आपसे यदि पूछे आरबीसी की लाइफ स्पैन अडल्ट में, तो आप सभी को पता है 120 days होता है, या हम बोल सकते हैं 3 to 4 months बोल सकते हैं, 3 to 4 months बोल सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट है 120 days। सब जगह आरबीसी का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। यदि आपसे पूछे कि हमेशा याद रखिएगा आपकी बॉडी का जो लाइफ स्पैन होता है किसी भी सेल का, वो आपके बॉडी के बाहर डिक्रीज हो जाता है, बॉडी के बाहर डिक्रीज, मैं प्लेटलेट का भी आपको बताऊंगा, तो सिंपली याद रखना आरबीसी को आप ब्लड बैंक में 35 to 42 days तक रख सकते हो। उससे ज्यादा आपने ब्लड बैंक में रखा तो आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर की मैं बात करूं, अब पूछते कि कितने टेम्परेचर पे ब्लड बैंक में आरबीसी को रखा जाता है। 1 to 6, होल ब्लड भी 1 to 6 पढ़ाऊंगा, ये भी 1 to 6 degrees। टेम्परेचर बहुत जरूरी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग होगा, ब्लड बैंक का टेम्परेचर अलग होगा। देन अब बात आती कि किस किस कंडीशन में आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जहां हम पेशेंट को आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आरबीसी का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा पड़ता है, सबसे पहले मैं सीवियर हेमरेज इन सर्जरी, मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपकी बॉडी से ब्लड लॉस होता है तो याद रखना आयरन लॉस होता है। इस कंडीशन में जब सीवियर ब्लड लॉस होता है तो आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन चाहिए। देन अबॉर्शन है, सीवियर एनीमिया है, और ट्रॉमा, ये वो कंडीशंस है जहां क्विक आपको आरबीसी की रिक्वायरमेंट होती है। इट विल हेल्पिंग टू फुलफिल रिक्वायरमेंट रेड ब्लड सेल, बिकॉज आरबीसी आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी दैट इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड O2 और CO2। ओके फाइन डियर, ये पैरामीटर मैंने आपको आरबीसी का बताया। अब मैं बताना चाहता हूँ प्लेटलेट का। हम आरबीसी के सारे पैरामीटर को डिस्कस किया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन में आने वाले पैरामीटर को डिस्कस किया, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लेटलेट। देखिए बच्चों, प्लेटलेट वन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बोल सकते हैं, प्लेटलेट एक तरह का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है, कैपिलरी को वापिस डैमेज कैपिलरी को रीग्रोथ करने में मदद करता है, ब्लड को क्लॉट करने का भी काम करता है। और प्लेटलेट जो है वो 1 unit में 50 to 70 ml होता है। मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझे अभी सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जिनको कहीं कहीं डेंगू के सफर में आए होंगे, डेंगू के चपेट में आए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए प्लेटलेट जो है 1 unit कितना होता है, आरडीपी क्या होता है, एसडीपी क्या होता है, कितना 1 unit जो है प्लेटलेट को इंक्रीज करता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 50 to 70 ml का होता है, मतलब 50 to 70 ml 1 unit प्लेटलेट होता है। और प्लेटलेट डायरेक्ट नहीं, प्लेटलेट को हमेशा ब्लड निकाल के, ब्लड से प्लेटलेट को निकाला जाता है, 50 to 70 ml है। उसके अलावा प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन रैपिडली यूजली ओनली 15 to 30 मिनट, मतलब देखिए आरडीपी एसटीपी दोनों बताऊं, एक रैंडम होगा एक सिंगल डोनर होगा, 15 to 30 मिनट में ये 70 ml आपको दे देना। आरबीसी मैंने 2 to 4 hours बताया, प्लेटलेट की बात करें यू शुड नीड टू बी एडमिनिस्टर 50 to 70 ml है, तो यूवीटी एडमिनिस्ट्रेशन 15 to 30 मिनट आपको फिनिश कर देना है। ओके फाइन। इसके अलावा स्टोरिंग टाइम देखिए 5 to 7 days, मैं आपको बताना चाहूंगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये हमें प्लेटलेट की जब हम बात करें तो इसका 8 to 11 days ये इसकी लाइफ स्पान होती है, ये इसकी लाइफ स्पान होती है। ये लाइफ स्पान कहाँ होती है? ये ह्यूमन बॉडी में होती है, और इसी को हम ब्लड बैंक में रखेंगे तो लाइफ स्पान कम हो जाती है। 5 to 7 days तक आप प्लेट को रख सकते हो, उससे ज्यादा रखोगे तो कंपोजिशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, कंपोजिशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके अलावा फर्दर में यदि आपसे बात करूं, प्लेटलेट का क्या अमाउंट क्या है, अब यहाँ ये भी जानना जरूरी कि प्लेटलेट में कौन कौन सा प्लेटलेट हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, एसडीपी क्या होता है, आरडीपी क्या होता है, 1 unit कितना प्लेटलेट बढ़ाता है। यहाँ मैंने बेसिक चीजें आपको बताई। टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 to 24 degrees, देखिए लगभग रूम टेम्परेचर के इक्वल है, 20 to 24 degrees Celsius टेम्परेचर प्लेटलेट को स्टोर करने का। 72 degrees Fahrenheit की बात करें तो 72 degrees Fahrenheit माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दैट यू शुड इवैल्यूएट। देखिए बच्चों, मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था आरबीसी में, यदि हम प्लेटलेट की बात करें
प्लेटलेट एडमिनिस्टर करने के बाद में इफेक्टिव रिस्पॉन्स आपको देख रहा है कि प्लेटलेट एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट में प्लेटलेट बढ़ा नहीं बढ़ा, तो आप एक तो त्वरित क्विक 1 आवर के बाद चेक कर सकते हो या 18 to 24 आवर आफ्टर ट्रांसफ्यूजन चेक कर सकते हो। ये दो ड्यूरेशन तुरंत 1 घंटे के बाद और अगले लगभग 18 से 24 घंटे के बाद दो टाइम आप प्लेटलेट की वैल्यू चेक करके पता कर सकते हो कि इस पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कितना बढ़ा है, कितना बड़ा। क्योंकि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, प्लेटलेट की कमी जो है वो पेशेंट को ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। हमेशा डेंगू में देखा होगा प्रिकॉशंस लेते हैं हम, इंट्रामस्कुलर और आईवी इंजेक्शन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इट मे बी चांस टू कैन कॉज एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इट मे बी इंटरनल ब्लीडिंग। तो एज ए नर्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ओके फाइन, ये अब बेसिक पैरामीटर हमने देखा प्लेटलेट का। बात आती है कि टाइप्स ऑफ प्लेटलेट, मैं दो टाइप्स का जिक्र करूंगा जहां क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। एक यूनिट 50 से 70 ml का होता है, हमने पढ़ लिया, बट ये जानना भी जरूरी है कि प्लेटलेट के कौन से दो टाइप्स होते हैं, कौन सा टाइप्स ज्यादा बेनिफिशियल होता है, कौन सा टाइप्स ज्यादा बेनिफिशियल होता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आरडीपी और एसडीपी मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, दोनों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि वेरिएशन बहुत है यहां पर। रैंडम, देखिए रैंडम का मतलब होता है किसी भी रैंडम डोनर प्लेटलेट, जिसको आरडीपी बोलते हैं, प्रिपेयर फ्रॉम द डोनेटेड ब्लड विद इन 4 to 6 आवर कलेक्शन बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब डोनर का ब्लड लिया, वो कोई भी डोनर हो सकता है, डोनर का ब्लड लिया और उस ब्लड से हमने क्या निकाला, 4 से 6 घंटे में प्लेटलेट, उसको हम क्या बोलते हैं, आरडीपी बोलेंगे। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, रैंडम डोनर प्लेटलेट। दूसरा मैंने कहा सिंगल डोनर। देखिए बच्चों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंगल डोनर प्लेटलेट जो है प्रिपेयर्ड बाय द प्लेटलेट, मतलब एक ही पर्सन के, उसी पर्सन के बॉडी से जब हम निकालते ब्लड को, तो प्लेटलेट को फिल्टर करके ब्लड को वापस ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, जिसको हम सिंगल डोनर प्लेटलेट्स कहते हैं। देखिए 1 unit ऑफ सिंगल डोनर प्लेटलेट इज इक्विवेलेंट टू द 5 to 10 unit ऑफ आरडीपी। मतलब माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आरडीपी के कंपैरिजन एसडीपी ज्यादा इफेक्टिव है। एसडीपी जो है एसडीपी का 1 unit और आरडीपी का 5 to 10 unit। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन कि व्हिच इज द मोर इफेक्टिव, आरडीपी और एसडीपी। सिंगल डोनर प्लेटलेट आर मोर इफेक्टिव देन द रैंडम, देन द रैंडम। नेवर फॉरगेट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, 1 unit किसी को हम ट्रांसफ्यूज करते बच्चों, तो 5 to 10,000 प्लेटलेट बढ़ता, बिकॉज 1.25 से लेके 4.5 lakh ये नॉर्मल प्लेटलेट होता बच्चों, ये नॉर्मल प्लेटलेट काउंट बता रहा मैं अडल्ट का, ये नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 1.25 lakh to 4.5 lakh होता है। और यदि किसी पर्सन को 1 unit आपने प्लेटलेट दिया तो 5 to 10,000 प्लेटलेट राइजेस होगा। प्लेटलेट मेजर कब करना है, एडमिनिस्टर करने के 1 आवर बाद, एडमिनिस्टर करने के 18 to 24 आवर्स बाद। बट याद रखना 1 unit प्लेटलेट आप किसी पर्सन को दिया है, इट्स प्रोबेबिलिटी टू राइजेस अप हाउ मच काउंट ऑफ द प्लेटलेट, 5,000 to 10,000। दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। आप किसी भी पर्सन को जब प्लेटलेट का ट्रांसमिशन करते हो, 1 unit प्लेटलेट 5 से 10,000 प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। ओके फाइन, इसके अलावा ये टाइप्स की हमने बात की, आरडीपी देखा, एसडीपी देखा। विल गो फर्दर देन यू कैन सी अगेन, विल गो फर्दर, जिसमें आपको दोनों टाइप को मैंने जिक्र किया। इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए डेंगू जो है, जिसको बोन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, बोन ब्रेकिंग। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोन ब्रेकिंग फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, बोन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं डेंगू, जो एडीज की वजह से होता है, एडीज की वजह से होता है डेंगू। ये उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, डेंगू कॉज करता है, डेंगू में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, डेंगू में प्लेटलेट का काउंट कम हो जाता है। उसके अलावा ल्यूकेमिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। देन बोन मैरो डेफिशिएंसी, बोन मैरो का मतलब जहां प्लेटलेट बनेगा नहीं, तो वहां पर भी हम किसको ट्रांसफ्यूज करते हैं प्लेटलेट। फॉर एग्जाम्पल एप्लास्टिक एनीमिया एक तरह का बोन मैरो डिसऑर्डर है। ये वो कंडीशन है, कॉमनली डेंगू याद रखना एडीज मच्छर की वजह से होता है, एडीज इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और इसका दूसरा नाम बोन ब्रेकिंग फीवर। ओके फाइन, ये इसके इंडिकेशन था प्लेटलेट की, हम यदि जिक्र करें। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी।
ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है डब्ल्यूबीसी, बट कभी कभी डब्ल्यूबीसी का ट्रांसफ्यूशन की जरूरत पड़ती है। आरबीसी यहाँ इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आगे मैं पढ़ाऊंगा होल ब्लड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वहां पर इंपॉर्टेंट होगा। डब्ल्यूबीसी जो है, देखिए डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड सेल, एवरीबॉडी नो, सफेद व्हाइट ब्लड सेल हम इसको बोलेंगे। व्हाइट ब्लड सेल के अलावा ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइट, दैट इज अ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, डब्ल्यूबीसी के बारे में शॉर्टली बताना चाहता हूं। नॉर्मली यदि डब्ल्यूबीसी देखें तो 10,000 से 20,000 सेल पर mmq, ये इन्फेंट का नॉर्मल डब्ल्यूबीसी। वहीं आपसे एग्जाम में पूछेंगे बच्चों चिल्ड्रन का, तो आपको आंसर लिखना है 10,000 से 15,000 सेल पर mmq। वहीं आपको पूछे हैं अडल्ट वाला क्वेश्चन, तो बहुत कॉमन है, तो आप सभी को पता है 4,000 से 11,000 सेल पर mmq। ये मैंने नॉर्मल डब्ल्यूबीसी बताया एज के अकॉर्डिंग। एग्जाम में हमेशा पूछेंगे एज के अकॉर्डिंग, आपको पूछेंगे तो ये एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल डब्ल्यूबीसी 10,000 से 20,000 सेल पर mmq इन्फेंट में, 10,000 से 15,000 सेल पर mmq चिल्ड्रन में है, 4,000 से 11,000 सेल पर mmq अडल्ट में। वी आर अडल्ट, ये हम अडल्ट जो है 18 साल के बाद वाला पर्सन होता है। देन एक यूनिट डब्ल्यूबीसी 400 ml का होता है, 250 ml आरबीसी, 50 से 70 ml प्लेटलेट, देन 400 ml दैट इज अ डब्ल्यूबीसी। देन माय डियर, स्टोरेज टाइम मैक्सिमम जो है इसका 14 डेज होता है। मैं एक हिंट देता हूं, आपने कॉर्निया पढ़ा होगा, और कॉर्निया जो है वो स्टोर कर सकते हैं up to 14 days। कॉर्निया को आप 14 दिन रख सकते हो, इससे कम ड्यूरेशन 10 डे भी मानते हैं, बट मैक्सिमम मैंने आपको बताया कॉर्निया जो है 14 डेज तक हम स्टोर कर सकते हैं। और आपको याद रखना डब्ल्यूबीसी को भी हम लगभग 14 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 14 डेज तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ओके फाइन, इन्फ्यूजन टाइम इसका सिर्फ 1 आवर क्विक देना होता है, 1 घंटे में फिनिश करना होता है। देन कैंसर और ल्यूकेमिया, क्योंकि दोनों में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है, इन दोनों कंडीशन में हम लोग डब्ल्यूबीसी का ट्रांसफ्यूशन करते हैं। कभी कभी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है डब्ल्यूबीसी के बारे में, 400 ml 14 days 1 आवर कैंसर ल्यूकेमिया में यूज कर सकते हैं। क्विक रिविजन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होल ब्लड, जहां पर क्वेश्चन बनेगा ही, जहां क्वेश्चन आएगा ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपको याद रखना होगा होल ब्लड पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। होल ब्लड के बारे में क्या क्या पैरामीटर हम पढ़ेंगे, होल ब्लड में आरबीसी भी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, एवरीथिंग होगा माय डियर। दैट मींस होल ब्लड जो है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट सब कुछ होगा, उसको हम होल ब्लड कहते हैं। सेपरेट हमने देखा आरबीसी पढ़ा, प्लेटलेट पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, बट व्हेन दे कम्स टुगेदर, जब एक साथ सब होता है तो हम क्या बोलते हैं, होल ब्लड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? होल ब्लड बोलते हैं। देन वन यूनिट होल ब्लड में 350 ml माय डियर, ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। 350 में मैंने मेंशन किया 300 ml क्या होगा, ब्लड होगा। 300 ml क्या होगा बच्चों, ब्लड होगा, प्लस जो 50 ml है वो क्या होगा, एंटीकोगुलेंट होगा। क्या होगा? एंटीकोगुल। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि 350 ml में ब्लड कितना होता है, एंटीकोगुलेंट कितना होता है। डोंट बी कंफ्यूज, 300 ml ब्लड होगा और 50 ml जो एंटीकोगुलेंट होता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इसके अलावा वन यूनिट ऑफ होल ब्लड 1 gram hb। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको रेड ब्लड सेल पढ़ाया, उस समय 1 gram hb बढ़ रहा था, 1 gram hb बढ़ रहा था, और जब मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो भी 1 gram hb बढ़ रहा है। मतलब दोनों ब्लड सेल एक एक यूनिट किसी को ट्रांसफ्यूज होता है तो 1 gram क्या बढ़ता है, हीमोग्लोबिन, 1 gram क्या बढ़ता है, हीमोग्लोबिन। ओके फाइन, उसके अलावा स्टोरेज टाइम 35 है। मैंने आपको आरबीसी का 35 टू 42 बताया, बट यहाँ होल ब्लड में क्योंकि डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट भी है, तो हम 35 दिन तक रख सकते हैं। देन इन्फ्यूजन टाइम इसका भी 2 to 4 hours है। टेम्परेचर इसका भी 1 to 6 degrees, कोई वेरिएशंस नहीं है, और इंडिकेशन में थोड़ा चेंजेस मिल सकता है। मैंने हाइपोवोलेमिक शॉक, देखिए बच्चों हाइपोवोलेमिक शॉक में, स्पेशली हाइपोवोलेमिक शॉक का जो कॉज है वो यदि हेमरेज है तो हम प्रीफर किसको करेंगे, होल ब्लड को, क्योंकि
जब पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक में एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है तो आरबीसी भी जाता है, डब्ल्यूबीसी भी जाता है, प्लेटलेट भी जाता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी लॉस होता है, तो हम किसको प्रीफर करेंगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, होल ब्लड को। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैंने शॉर्टली आपको होल ब्लड के बारे में यहाँ पर बताया। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कंफ्यूजन मुझे आपका दूर करना है कि आप जेआईएनसी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, आप उस भरोसे के प्रतीक के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो जहां से नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, जहां आप एक बार जुड़ गए तो नौकर जॉब लगने के बाद ही निकलना होगा, क्योंकि टीम जेएनसी आपको वो हर कंटेंट देने की कोशिश करती है जो बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको फेस करना होता है। और इस बार जब ऑनलाइन आपके सामने जेएनसी टीम आई है तो उन्होंने डिसाइड किया कि रियल में नर्सिंग कोचिंग होता क्या वो आपको पता चले। ऑनलाइन में आपने ट्रस्ट किया, देखा, जांचा, परखा, जब आपने ऑनलाइन देखने के बाद ऑनलाइन कोर्स आपने परचेज किया, और मैं चाहता हूँ कि कोर्स में जब एक एक टॉपिक आप फिनिश करो, चाहे आप जीएनएम हो सकते हो, बीएससी हो सकते हो, आप ट्यूटर हो सकते हो, आप प्रोफेसर हो सकते हो, बट व्हेन यू गो फॉर द क्लास टू टीच द स्टूडेंट यू विल फील प्राउड कि हाँ इतना कुछ होता है जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, और ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में बार बार देखे। इसका मतलब आपकी टीम जेएनसी आपके लिए बेहतर कर रही है, भरोसा बनाए रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार वायरल हो रहा है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ होल ब्लड में जो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस का क्वेश्चन लिखा है, मैसिव ट्रांसमिशन ऑफ होल ब्लड कैन कॉज मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। मैंने रीजन भी मेंशन किया है, आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक एंटी कोगुलेंट है जिसका नाम है सोडियम सिट्रेट, जो कॉमनली हम कहां पर यूज कर रहे थे बच्चों, जिसको हम कॉमनली ब्लड बैंक में यूज कर रहे थे, और सोडियम सिट्रेट क्या करता है, ये मेटाबोलाइज किसमें हो जाता है, बाइकार्बोनेट। और जब बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा बच्चों, बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो पीएच भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मैं हमेशा बताता हूँ बाइकार्बोनेट पीएच दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जब दोनों इंक्रीज होगी तो हम क्या बोलेंगे, मेटाबोलिक एल्कोलोसिस। नेवर रॉन्ग, ये बहुत बार आया हुआ, हमेशा आप कंफ्यूज होते हो। और मैं बताना चाहता हूँ दिल्ली एम्स का फेवरेट एमसीक्यू, इसलिए मैंने यही पुट किया कि आगे बहुत सारे कंपोनेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बट यहाँ पर इसीलिए आपको बताया कि इफ यू आर गोइंग टू स्टडी यू फील प्राउड, होल ब्लड जहां पर भी आता तो सीधा आंसर आना चाहिए मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। रीजन बता दिया कि सिट्रेट किसमें मेटाबोलाइज हो जाता है, बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का लेवल जब बढ़ता है तो पीएच क्या होती है, बढ़ती है, और जब दोनों बढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट प्लाज्मा की बात आते हैं, प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, उस पर्सन में जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई है, क्योंकि हमेशा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर विल बी प्रेजेंट इनटू द प्लाज्मा। देखिए बच्चों, प्लाज्मा जो है इसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बोलते हैं, आपने हॉस्पिटल में FFP के नाम से कई बार सुना होगा कि हम FFP को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। FFP क्या होता है, इसमें होता कौन कौन, ये भी बताना जरूरी है। Contain no platelet. देखिए सबसे खास बात, इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होगा, ये क्वेश्चन सीधा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है, इसमें प्लेटलेट नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि प्लेटलेट किसमें नहीं होगा, ऑप्शन लिखा होगा वहां पर, ऑप्शन होल ब्लड लिखा होगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लिखा होगा अलग से, तो आपको आंसर लिखना नो प्लेटलेट इनटू द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या पूछेंगे, आपको एक यूनिट की बात करेंगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, और ये 200 से 250 एमए होता है। बच्चों अभी आपने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था, आपने आरबीसी पढ़ा बच्चों, आरबीसी में आपने 250 एमएल पढ़ा, आपने प्लेटलेट में पढ़ा था 50 से 70 एमएल, आपने डब्ल्यूबीसी पढ़ा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जहां आपने 400 एमएल पढ़ा, और यहां पर आपने देखा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा 200 टू 250 एमएल। और हमेशा मैं कहता हूँ प्लाज्मा कौन होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये क्या इंक्रीज करेगा, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्रीज करेगा। व्हेन यू लॉस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी यदि आपको हो जाती है तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को एडमिनिस्टर करते हैं, इसमें प्लेटलेट नहीं होता है। देन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रिपेयर करने का टेम्परेचर -80 डिग्री। देखिए -80 डिग्री, हाउ मच कोल्ड, -80 डिग्री, देन स्टोरिंग टेम्परेचर -18। आप हमेशा पढ़ते हो पोलियो वैक्सीन, मैं कई बार आपको क्लास में जिक्र करता हूं, पोलियो वैक्सीन -20 पे रखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ पोलियो वैक्सीन, की पोलियो वैक्सीन को हम कितने टेम्परेचर पे रखते हैं, -20 डिग्री पे रखते हैं। और माय डियर हम पोलियो के कंपैरिजन करें तो यहां पर आपका फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो -18 डिग्री और उससे कोल्डर टेम्परेचर पे हम
स्टोर करते हैं, प्रिपेयर माइनस 80 में करते हैं, देन ट्रांसफ्यूजन टाइम 30 टू 60 मिनट। देखिए 250 ml है, 30 से 60 मिनट में देना होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ड्यूरेशन याद रखना, टेम्परेचर याद रखना, और एक साल तक, वन ईयर तक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को, वन ईयर तक क्रायोप्रेसिपिटेट को आप स्टोर रख सकते हो फॉर रीयूज। मैंने क्लियर बताया था, प्लेटलेट को 5 to 7 डेज रख सकते हो, WBC को मैंने आपको 14 डे बताया, RBC को मैंने 35 से 42 दिन बताया, होल ब्लड को मैंने 35 दिन बताया। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल पर से। लिखा इंक्रीज कॉगुलेशन फैक्टर अबाउट 2%। देखिए मैंने सब जगह एक एक वैल्यूज आपको बताई, अब आएगा कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कितना कॉगुलेशन फैक्टर बढ़ाता है, 2%। क्योंकि जब भी हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं उसका नॉर्मल वैल्यू परसेंटेज होता है, उसका नॉर्मल वैल्यू किस में होता है बच्चों, परसेंटेज होता है। और यहाँ पर भी मैंने यही मेंशन किया है, परसेंटेज में नॉर्मल वैल्यू आपको 2% तक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ेगा। देखिए अब इसकी खास बात क्या है कि हम FFP को यूज कहाँ करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का यूज कहाँ हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने इंडिकेशन यहाँ पर लिखे हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है एक्टिव ब्लीडिंग और हेमरेज। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो प्रेजेंट है। पैसिव का मतलब है जो हो सकता है, पैसिव का मतलब जो है इट बी, इट मे बी, इट माइट बी प्लान या हैपन, और एक्टिव का मतलब जो प्रेजेंट है उस समय हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को दे सकते हैं। दूसरा बर्न, देखिए बर्न में फ्लूड लॉस होता है बॉडी से, बर्न हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज करती है, बर्न में ब्लड लॉस होता है, बर्न में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लॉस होता है, तो हम इसको दे सकते हैं, FFP को दे सकते हैं। देन शॉक में भी मैं बताना चाहूंगा पर्टिकुलेशन हाइपोवोलेमिक शॉक में यदि पूछेंगे बच्चों तो आपको आंसर हाइपोवोलेमिक लिखना है, हाइपोवोलेमिक शॉक में हम दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं बच्चों, FFP को, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को दे सकते हैं। देन थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। देखिए बच्चों हमेशा याद रखना, परप्यूरा जहां वर्ड आता है इसका मीनिंग होता है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। क्यों हो रही है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी थी तो ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो ब्लीडिंग का टाइम बढ़ गया। आपका हमेशा पढ़ते ना कि ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, तो आप पढ़ते हो 3 to 6 मिनट, आप पढ़ते हो क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, तो आप पढ़ते हो 3 to 8 मिनट। ये नॉर्मल BT और नॉर्मल CT होता है। जब ब्लीडिंग टाइम 3 to 6 मिनट के बाद में भी प्रेजेंट है वो परप्यूरा कहलाता है, जब क्लॉटिंग टाइम 3 to 8 मिनट के बाद में भी प्रेजेंट है वो ल्यूकीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया की वजह से ये बढ़ता क्लॉटिंग, और जब ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, परप्यूरा बोलते हैं। डिफेक्ट इन प्लेटलेट के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट हो सकता है तो आपका परप्यूरा डेवलप हो सकता है। ओके फाइन। इसके अलावा रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर द कोगुलेशन फैक्टर, देखिए मैंने आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ाऊंगा, मैं किसमें पढ़ाऊंगा, ब्लड में, सेकेंड फिफ्थ सेवंथ नाइन्थ टेंथ और इलेवंथ, ये वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। क्योंकि ब्लड जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये नंबर की हम बात करें तो नंबर में कितने होंगे बच्चों, नंबर की हम बात करें तो 13 होता है और परसेंट कितना होता है 12 होता है, बिकॉज 6 नंबर का क्या होगा अब्सेंट होगा, 6 नंबर का क्या होता है अब्सेंट होता है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, जब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ाऊंगा उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये यूजेस मैंने आपको बताया। द नेक्स्ट, आजकल आपने देखा होगा जब से ये COVID-19 आया, COVID-19 से पेशेंट जब रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, उस पर्सन का हम क्या लेते हैं बच्चों, प्लाज्मा लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लाज्मा लेते हैं। और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा, एक डिवाइस का नाम लिखाएगा, इस तरह की डिवाइस का फोटो आएगा, या पेशेंट के बॉडी से ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकलने के बाद में ब्लड क्या होगा, उसमें से प्लाज्मा क्या होगा कलेक्ट होगा और ब्लड वापस कहां चला जाएगा, वापस पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा। मतलब इस प्रोसेस में आपने क्या किया, आपने किसको निकाला, प्लाज्मा को निकाला। किसको निकाला, प्लाज्मा को निकाला। इस डिवाइस का नाम है प्लाज्मा फेरेसिस मशीन। ये बताने का पर्पज है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये बनता है, इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड और प्लाज्मा इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल, तो ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये COVID-19 के बाद ये क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा फेरेसिस मशीन क्या है, प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस क्या है, और व्हाट वी आर डूइंग इन दैट प्रोसेस, तो आप बता सकते हो।
दैट मशीन विल हेल्पिंग टू सेपरेट योर प्लाज्मा, जिससे कहने प्लाज्मा थेरेपी देना है। एक पेशेंट को कोविड 19 पॉजिटिव हुआ, पेशेंट रिकवर हो गया, रिकवर होने के बाद उस पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडी बन चुकी होती है, उस पेशेंट का प्लाज्मा किसी कोविड 19 वाले को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसकी बॉडी में भी एंटीबॉडी बनेगी, दे विल आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइट अगेंस्ट कोविड 19। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, अब हम फर्दर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्रायो प्रेसिपिटेट, इसको क्रायो भी बोलते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट, वन मोर थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट आस्किंग योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा से बनाते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट क्या, ये जानना जरूरी है। इज अ प्रिपेयर फ्रॉम द प्लाज्मा, कहां से बना रहे हम लोग, प्लाज्मा से। प्रिपेयर फ्रॉम द प्लाज्मा एंड कंटेन क्या क्या, इसमें चार चीजें याद रखना है कि क्रायो प्रेसिपिटेट में तो फिब्रिनोजन होगा। देखिए बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो पहला नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का नाम होता है फिब्रिनोजन, फर्स्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होगा उसका नाम क्या होगा, फिब्रिनोजन। वॉन विलब्रन, ये अगेन एक प्रोटीन फैक्टर है जो ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। फैक्टर देखिए, फैक्टर 8 और फैक्टर 13 का नाम क्या होगा बच्चों, फिब्रिन। 13 का नाम क्या होगा, फिब्रिन। फैक्टर 8 का नाम क्या होगा, एंटी। फैक्टर 8 का नाम क्या होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। ये फैक्टर 8 का नाम है, मैंने चारों को बताया। फिब्रिनोजन फर्स्ट नंबर का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, वॉन विलब्रन प्रोटीन फैक्टर है जो आप ब्लड क्लॉट का काम करता है। फैक्टर 8 का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए है। फैक्टर 13 का नाम क्या होगा बच्चों, फिब्रिन होगा। फर्स्ट फिब्रिनोजन और 13 फिब्रिन, इन चारों की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को क्रायो प्रेसिपिटेट एडमिनिस्टर किया जाता है। क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि ये जो फैक्टर 8 है, ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी क्या कॉज करता है बच्चों, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हीमोफीलिया ए कॉज करता है, जिसको हम क्लासिकल हीमोफीलिया कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ये हीमोफीलिया का जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, जिसको हम क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं। और ये किसकी कमी की वजह से होता है, ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होता है। और उस पेशेंट को ट्रीट करना होगा तो क्या देना होगा बच्चों, क्रायो प्रेसिपिटेट देना होगा। दूसरा, वॉन विलब्रन फैक्टर की वजह से वॉन विलब्रन डिजीज होता है, और वॉन विलब्रन डिजीज वाले पेशेंट को भी क्या देना पड़ता है, क्रायो प्रेसिपिटेट देना पड़ता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हीमोफीलिया ए वाले पेशेंट को। हीमोफीलिया ए जो है उसको क्लासिकल हीमोफीलिया बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन अराउंड 80% में ये पाया जाता है, तीनों टाइप में, ए बी और सी में, डिजीज कंडीशन पढ़ा हुआ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिए स्टोरेज टाइम, मैंने आपको प्लाज्मा का भी 1 आवर बताया, इसका भी मैं स्टोरेज टाइम आपको बता रहा हूं, दैट इज अगेन 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल तक इसका स्टोरिंग टाइम है। एक यूनिट में सिर्फ 10 से 15 ml होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से बनाते हैं हम क्रायो प्रेसिपिटेट, 10 से 15 ml इसका अमाउंट होता है बच्चों। देन 15 से 30 मिनट में इसको देना होता है क्रायो प्रेसिपिटेट को। देन टेम्परेचर स्टोरिंग -30 डिग्री, देखिए बच्चों और कूल चाहिए, 18 डिग्री से, मैंने -18 किस में बताया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में बताया, और -30 डिग्री की बात करते हैं तो क्रायो प्रेसिपिटेट, और क्रायो प्रेसिपिटेट कहां से बनाते हैं हम, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से बनाते हैं। देन इंडिकेशन क्या इंपॉर्टेंट है, सीधा मैंने हीमोफीलिया में हीमोफीलिया ए, एक्यूट डीआईसी, वॉन विलब्रन डिजीज। एक और बताना चाहता हूं, देखिए बच्चों हीमोफीलिया में बताना चाहता हूं, हीमोफीलिया ए यहां पर एक्यूट डीआईसी डिसएबिलिटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, वॉन विलब्रन डिजीज, और हाइपोफिब्रिनोनीमिया, मतलब डिक्रीज कौन होगा, फिब्रिनोजन। मैंने चारों मेंशन किया है, इन चारों के डेफिशिएंसी में हम किसको एडमिनिस्टर करेंगे, क्रायो प्रेसिपिटेट को। किसको एडमिनिस्टर करेंगे, क्रायो प्रेसिपिटेट को, याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 10 टू 15 ml का एक यूनिट होता है और 1 ईयर, और हम बोल सकते हैं दैट विल बी फॉर 1 ईयर तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, यह इसकी वैलिडिटी है। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, क्रायो प्रेसिपिटेट के बाद आजकल एक नई टेक्निक आई है जिसको बोलते हैं फेरस्ट ग्रेनुलोसाइट। देखिए ग्रेनुलोसाइट टू एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रेनुलोसाइट का हम बात करें तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ साइटोप्लाज्म बच्चों। और ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आता है, न्यूट्रोफिल आता है, बेसोफिल आता है, इसिनोफिल आता है,
ये तीनों जो है ब्लड कंपोनेंट जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी कंपोनेंट, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल, इसिनोफिल, ये किसके एग्जांपल है बच्चों? ग्रैनुलोसाइट। देन मैं बताना चाहता हूं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये किसके एग्जांपल है? एग्रैनुलोसाइट। किसके एग्जांपल है? एग्रैनुलोसाइट। और एग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है अब्सेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? अब्सेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म द्रवीय होता है, साइटोप्लाज्म वो द्रवीय होता है जो हम कॉमनली कहां पढ़ते हैं? सेल में पढ़ते हैं। कॉमनली कहां पढ़ते हैं? सेल में पढ़ते हैं। तो ये फेरस्ट ग्रैनुलोसाइट में बात करता हूं बच्चा, तो ये कलेक्ट फ्रॉम कहां से लेते हैं हम लोग? डब्ल्यूबीसी से। कहां से लेते हैं हम लोग? डब्ल्यूबीसी से। गिवन विद इन 24 आवर्स। Within 24 hours collect करने के बाद इसको देना पड़ता है। Storage temperature 20-24 degree होगा, then replace neutrophil और granulocyte। मैंने बताया था, neutrophil और granulocyte को replace करने का काम करता है। कहाँ कहाँ use करता है? Severe neutropenia, neutropenia का मतलब decrease the level of neutrophil, life-threatening infection, not responding to the antibiotics, neonatal sepsis और neutrophil dysfunction, neutrophil dysfunction। ये आजकल का जो एक नया कंपोनेंट ऐड हुआ है, जहां पर बच्चे कंफ्यूजन होता है कि ये ग्रैनुलोसाइट क्या होता है। पहले ही मैंने आपको बता दिया था ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन आएगा, बैसोफिल आएगा, न्यूट्रोफिल आएगा, एसिनोफिल आएगा। तो ये जो थिंग था दैट वी कैन से फेरेस्ट ग्रैनुलोसाइट, फेरेस्ट ग्रैनुलोसाइट माय डियर लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।